A very good morning to all of you, my dear students. Welcome to environmental science class. And today we will discuss the question answer of chapter 6. The name of the chapter is food and nutrition. Okay. Aaj hum log discuss karenge chapter food and digestion chapter 6. जिसमें हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, इसके एक्सरसाइज भी किए हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने कर लिए हैं. आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. So let's see the answer. The nutrients that provide energy, commonly referred to as micronutrients, carbohydrate, protein and fats. तो जिस जो फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है उसको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है. ये देखिए, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. फैट गिव्स हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी. दे आर प्रेजेंट इन फूड लाइक ऑयल, बटर, नट्स एंड घी. एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट इन द बॉडी शुड स्टोर अंडर द स्किन. दे रिलीज डबल एनर्जी एज मच एज कार्बोहाइड्रेट रिलीज. तो एनर्जी हमको इसी फूड से मिलती है, चीज, बटर, मिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कॉल विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. ओके, इसका आंसर हम लोग देखते हैं. वी कॉल विटामिन्स एंड मिनरल्स एज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे हेल्प अस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. हम लोग उसको विटामिन्स एंड मिनरल्स जिस फूड में होता है उसको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि विकास और वृद्धि में मदद करते हैं और हमको डिजीजेस से लड़ने की शक्ति देते हैं. इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें जिस फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है. ओके, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो हमें डिजीजेस से लड़ने की क्षमता देता है, हमारे बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास. लीवर एंड पेनक्रियास के फंक्शंस क्या हैं, आपको ये आंसर करना है. द लीवर डाइजेस्ट फूड बाय प्रोड्यूसिंग बाइल, ब्रेक डाउन फूड, रिमूविंग टॉक्सिन्स एंड ब्रेकिंग डाउन एंड स्टोरिंग सम विटामिन्स एंड मिनरल्स. लीवर जो है हमारे फूड को, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और पेनक्रियास प्रोड्यूस एंजाइम्स टू हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. जो पेनक्रियास होते हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और प्रोटीन और जो भी फूड हम खाते हैं उनमें जो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने में हेल्प करता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्टमक लीड्स इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक जो है लीड्स करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच इज़ द लॉन्ग नैरो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर. ये देखिए, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे कोइल्ड की तरह स्ट्रक्चर है ना, कोइल्ड स्ट्रक्चर, एंड इन विच द फूड रिमेन्स फॉर अबाउट 4 to 5 hours एंड गेट कम्प्लीट डाइजेस्टेड. जिसमें खाना 4 से 5 घंटे रहता है और उसके बाद पूरी तरह से डाइजेस्ट यानी कि पच जाता है. ओके, यू हैव सीन इन दिस डायग्राम. ये देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी में खाना, फूड पाइप से खाना स्टमक में होते हुए
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है 4 से 5 घंटा, फिर उसके बाद यहाँ से डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सी दिस आंसर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन अंटिल इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम एनस। और जो अनडाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद एनस के थ्रू वहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर। आज आपका बच्चों ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिख करके मुझे सेंड करेंगे और याद भी करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है याद करना। ओके, और कंप्लीट भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कल हम लोगों ने लिखा था एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट इन द बॉडी गेट स्टोर्ड अंडर द स्किन, ये होगा ट्रू। ओके, ये ट्रू है, इसको ट्रू कर लीजिएगा आप लोग, अगर कोई बच्चे फॉल्स करे होंगे तो ये ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखेंगे और इसकी इमेज मुझे सेंड करेंगे। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।